मुख्यमंत्री योगी ने पीडब्ल्यूडी के एचओडी व उनके स्टाफ अफसर पर कार्रवाई के दिए निर्देश। लोक निर्माण विभाग में हुए तबादलों में हुई गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग में तबादलों के खेल में ओएसडी अनिल पांडे को हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी के एचओडी मनोज कुमार गुप्ता और उनके स्टाफ अफसर शैलेंद्र यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी में उच्च स्तरीय जांच समिति ने स्थानांतरण में गंभीर अनियमितताएं पाई हैं। समिति की सिफारिश के आधार पर प्रधान सहायक संजय चौरसिया और प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन पंकज दीक्षित को निलंबित करके नियम 7 के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। शासन ने मंगलवार को ही कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने को पीडब्ल्यूडी मुख्यालय को कहा है। तबादलों में गड़बड़ियों की जांच के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति ने पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख अभियंता राकेश सक्सेना और स्टाफ अफसर शैलेंद्र यादव के अलावा 30 जून को रिटायर हुए अधीक्षण अभियंता अधिष्ठान अश्वनी मिश्रा को भी जिम्मेदार माना है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को फाइल भी भेज दी गई है। माना जा रहा है जल्द ही आदेश जारी हो जाएगा।